बिहार में अपराधियों के हौसले बुलंद। नकाबपोश अपराधियों ने एक मोटरसाइकिल सवार को गोली मारकर किया जख्मी। दोस्तों सलाम नमस्ते, मैं हूं टीपू तारजन और आप देख रहे हैं पुपरी न्यूज। पुपरी न्यूज में आप सबों का एक बार फिर से स्वागत है। पुपरी थाना क्षेत्र के हरदिया गांव निवासी सोमन महतो के दामाद सरोज कुमार माझी को नकाबपोश अपराधियों ने गोली मारकर गंभीर रूप से जख्मी कर दिया। घटना पुपरी बछठा पथ पर सम्हौली के नजदीक की बताई जा रही है। घायल व्यक्ति सरोज कुमार का इलाज PHC पुपरी में किया गया, जहां से बेहतर इलाज के लिए उसे सीतामढ़ी ले जाया गया है। बताते चले कि हरलाखी थाना क्षेत्र के विसौल गांव निवासी जतन माझी के पुत्र सरोज कुमार माझी अपने घर से अपने ससुराल हरदिया, जो पुपरी थाना क्षेत्र में पड़ता है, आ रहा था। इसी दौरान बसैठा पुल के आगे सम्हौली गांव के नजदीक कुछ अपराधियों ने सरोज माझी पर गोली चलाई, जिसमें दो गोली उसे लगी है। उसकी हालत काफी गंभीर बताई जा रही है। सरोज कुमार अपने ससुराल हरदिया घायल अवस्था में जब पहुंचा, तो ससुराल वालों ने आनंद फानंद में उसे पुपरी PHC में भर्ती कराया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए उसे सीतामढ़ी रेफर कर दिया गया है। आप देख रहे हैं पुपरी न्यूज। पुपरी न्यूज को लाइक शेयर फॉलो करते रहे। पुपरी न्यूज, आपकी आवाज हर पल आपके साथ। हमारे साथ गोली मार दिया भाई ने हमको। कितनी गोली लगी मालूम नहीं है। कहाँ पे, कहाँ पे हुई है? वो बसैठा से आ गया। क्या गाड़ी से था वो लोग? वो सब बाइक से था। कितना लोग था? दो लोग। दो लोग थे। अचानक से गोली मार दी आपको? अचानक से। या कुछ छीन छोट भी हुआ आपके साथ? नहीं, कुछ नहीं। घर कहाँ हुआ? हरदिया। क्या घटना हुई है? कौन है ये आपके पास? मेरा भनोई है। भनोई है जी। कहाँ पे घटना हुई है? ये बसैठा और मकिया के बीच में सोनोली पुल है, वहाँ पे हुआ। क्या घटना हुई है इनके साथ? इनके साथ गोली मारा हुआ है, दो गोली लगा हुआ है। दो गोली लगी है जी, एक बाह में लगा हुआ है, एक रीढ़ में लगा हुआ है। कौन लोग मारे ये हमको पता नहीं लगा। वो तो मेरा भनोई है, मेरे यहाँ ससुराल आ रहे थे शाम में। इनका घर कहाँ हुआ? इनका घर बिसौल हुआ, दरभंगा में, हरलाखी थाना में। हरलाखी जी, हरलाखी से हरदिया आ रहे थे जी। क्या नाम है इनका? इनका सरोज कुमार माझी नाम है। पिता का नाम? जतन माझी। जतन माझी नाम जी। कितने लोग थे जो अपराधी थे? कितने लोग? वो तो पता नहीं है, बेहोश है, पता नहीं चला कितना आदमी। ये खुद गाड़ी ड्राइव करके चले हैं, जैसे तैसे करके मेरे गांव में पहुंचे, तो हम लोग वहां पे आए हैं, तो फिर हॉस्पिटल लेके आए हैं। हरदिया पहुंच गए थे। वो कौन है? मेरा दामाद जी है। आपके दामाद है जी? कैसे जानकारी मिली? वो फोन दिया है यहाँ से हॉस्पिटल से फोन दिया है। क्या नाम है दामाद? दामाद सरोज माझी, सरोज कुमार माझी। यहाँ लेकर के आए डॉक्टरों ने क्या कहा? अब अभी तक तो डॉक्टर से बात नहीं हुआ है, अपने ये लोग संगी साथी जितने भी सहयोगी सब है, उन सबसे बात हुआ है। अभी कंडीशन में है, अब भगवान जाने। कितना गोली लगा है जानकारी आप कह रहे हैं? दो लगा हुआ है। दो गोली लगी है, यहां पे लगी है, बाजू में और पीठ पे। मारा हूं। आप ही लेकर आए थे जी? कहां से लेकर? घर से हरदिया से लेकर आए हैं। और ना ये मेरा जीजा जी लगा गांव का हो जाएगा। वो जीजा जी जी, कैसे घटना घटी बार बताइए, क्या जानकारी मिली? ये आ रहा था बिसौल से, ये बसैठा शिवनगर का बीच में एक पुल है ना, उस पुल पर बोला कि हमको गोली मार दिया। ये अचानक से? अचानक से नहीं, अचानक से मारा चलते चलते। कितने लोग थे वहाँ पर? नहीं हम बताएंगे, हम तो घर थे। आप लोग को जानकारी नहीं? नहीं जी, वो पता उसी को होगा, नहाने को पता होगा। मैं डॉक्टर कफील अख्तर, उपाधीक्षक अनुमंडल अस्पताल पुपरी। अभी जो घटना हुई है, जिसको गोली मार दी गई सरोज कुमार, क्या पोजीशन तो गंभीर है? हाँ, दो गोली लगी है उनको, लेकिन चूंकि पेट में लगा है गोली, तो अभी कहाँ पर इंजुरी अंदर में है, ऐसे सीटी स्कैन होने के बाद पड़ेगा, लेकिन गंभीर हालत। हाँ, दो गोली लगी है? हाँ। कहाँ कहाँ लगी? एक बाह में लगी है, एक पेट में लगी है, छाती में। पेशेंट हालत गंभीर है, अभी हम लोग कुछ कहा नहीं जा सकता है। फिलहाल तो अभी अस्थिर है, लेकिन तो मुजफ्फरपुर किया गया है और वहाँ जाकर ट्रीटमेंट के लिए भेजा गया है, लेकिन गंभीर हालत अभी है। मेरा नाम बहाज हुआ,
जी, अभी आपने एक पेशेंट का इलाज किया जिसको गोली लगी थी, क्या नाम है? इसका नाम सरोज कुमार है। कितनी गोली लगी है उसको? उसको सस्पेक्टेड 2 बुलेट इंजरी लग रहा है जी। कैसी हालत? हालत तो स्थिर था, लेकिन अभी क्रिटिकल तो है, उसको फर्दर इन्वेस्टिगेशन होगा, कुछ पता चला कि अंदर इंटरनल इंजरी कितना है। इसको कौन से हिस्से में गोली लगी? उसको तो एक तो राइट आर्म में लगा हुआ है और एक लाइट राइट लोअर बैक चेस्ट में है, उसका सस्पिशियस इंजरी है। क्या लगता है हालत देख के पेशेंट की बच सकते हैं? हाँ, बचने का चांस है। आप लोगों के द्वारा रेफर कर दिया गया? हम लोग के द्वारा SKMC से रेफर किया गया, लेकिन पेशेंट सीतामढ़ी जाना चाह रहा था और जो सीतामढ़ी। मेरा नाम डॉक्टर दीपक कुमार हूँ, और अभी जो आप पेशेंट आया था बुलेट इंजरी का, जिसको सर्जन साहब ने देखा, वाइटल्स उसका स्टेबल था लेकिन इंटरनल इंजरी है, इसको फर्दर इन्वेस्टिगेशन और ट्रीटमेंट के लिए हम लोग SKMC भेजे थे, लेकिन ऑन रिक्वेस्ट कहाँ गया वो? सीतामढ़ी, वो बोल रहा है पेशेंट पार्टी, लेकिन SKMC के लिए हम लोग प्रेफर किए। अब वो तो वो लोग, हम लोग को नहीं पता है इसके बारे में, हम लोग तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ही भेजे हैं, मतलब सदर अस्पताल या SKMC प्रेफरेबल है उसके लिए, क्योंकि इंटरनल इंजरी हो सकता है, हाँ उसको इंटरनल इंजरी, तो फर्दर इन्वेस्टिगेशन होगा, वहीं ट्रीटमेंट होगा उसका। इंटरनल इंजरी है तो हम लोग बता नहीं सकते हैं, सुपरफिशियल वाइटल स्टेबल था, हम लोग वाइटल स्टेबल करके उसको भेजें, अब फर्दर इन्वेस्टिगेशन होगा, सिटी स्कैन होगा, उसके बाद उसका बुलेट का पोजीशन देखेगा, किस ऑर्गन को इंजर्ड कर दिया, ये सब तो हम लोग को नहीं पता चल पाएगा। एक्सरे में सिर्फ बुलेट मिला, लेकिन बाकी इन्वेस्टिगेशन तो वहीं से, और सर्जन साहब देखें डिटेल तो सर्जन साहब ही बताएंगे, फिर हम लोग। इस खबर के प्रायोजक हैं SK इंटरप्राइजेज। अब घर बनाना हुआ और भी आसान, एक ही छत के नीचे मिल रहा है सारा सामान, सैनिटरी वेयर, टाइल्स, मार्बल, पेंट, प्लम्बरिंग एवं हार्डवेयर संबंधी सारा सामान उचित मूल्य पे प्राप्त करें। नागेश्वर स्थान रोड पूरी बाजार, प्रोप्राइटर शौकत खान, सिराज खान, एक बार अवश्य पधारें।